हेलो दोस्तों, नमस्ते। ललिता शुला चौका में आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी सी चावल की खीर की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। चावल की खीर कई तरीकों से बनाई जाती है। इस खीर के लिए हमने 1/3 कप राइस लिया है। ये इंद्रायणी वाला राइस है, इसमें स्टार्च बहुत होता है, तो आप खीर बनाने के लिए कोई भी स्टार्च वाला चावल लीजिए। इससे खीर बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी बनती है। इसे हमें एक दो बार हल्के हाथ से धो लेना है और इसका पानी हम निकाल के रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखें, अगर नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस चावल को हम कुकर में थोड़ा सा भून लेंगे और इसे कुक करेंगे। कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला है और इसमें ये पानी निथरा हुआ चावल है, इसे हम डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से सुनहरा गुलाबी होने तक हम इसे भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनना है, तभी चावल की खीर का टेस्ट निखर के आएगा। तभी इसे भूनते हैं। 3-4 मिनट तक हमने धीमी आंच पे भून लिया है और चावल का इस तरह से कलर आ गया है, ये गुलाबी सुनहरा हो गया है। अभी हम इसमें इसी कप के नाप से पानी डालेंगे और दूध डालेंगे। तो हमने यहाँ इस कप के नाप से 4 गुना दूध और पानी हाफ हाफ इस तरह से डाला है और धीमी आंच पे हम इसको 2 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि ये चावल अच्छे से कुक होने चाहिए। इसमें पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये चावल है और हम दूध जो यूज़ कर रहे हैं ये फुल फैट वाला दूध है, इसीलिए हम आधी आधी क्वांटिटी में पानी और दूध मिक्स करके डाल रहे हैं ताकि दूध हमारा थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। इसे आप खुले में भी पका सकते हैं, नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो कुकर में इसे 2 सीटी लगवा सकते हैं। हमने यहाँ दूसरे गैस पर 1 लीटर फुल फैट दूध गर्म करने के लिए रखा है। 2 सीटी होने के बाद में ये देखिए चावल इस तरह से कुक हो गए हैं। हमने इसे निकाल लिया है और चम्मच की सहायता से हम इसको थोड़ा सा मैश कर ले रहे हैं। चावल अभी भी गर्म है, ये देखिए इस तरह से ये चावल हो गए हैं। हमने इसे भून के लिया था, इसी की वजह से इसका कलर इस तरह से हल्का सुनहरा हो गया है, और ऐसा करने से खीर का टेस्ट भी बढ़ जाता है, नहीं तो ये आपको दूध और चावल खाए जैसा फील होगा। तो इसीलिए इसे हमने घी में पहले से भून के लिया है। अभी हम चलते हैं कढ़ाई की ओर। कढ़ाई हमने गर्म करने के लिए रखी है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून घी डाला है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो इसमें मैंने बादाम के टुकड़े लिए हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसे भून लें। बादाम हल्के भूनने के बाद में हमने इसमें ये चारोड़ी है इसे भी डाला है, इसे भी हल्का भून लेंगे। हल्का ही भूनना है। और अभी हम इसमें ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल है इसे डालेंगे और इसे भी हल्का भून लेंगे। इससे ये खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेते हैं। 1 मिनट तक भूनने के बाद में ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। अभी इसमें हमने जो कुक किए हुए चावल है उसे डाल के इसे भी थोड़ा इस घी में नीचे ऊपर कर लेंगे और अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो पहले हमने थोड़ा दूध डाला है और इस चावल को हमें इस तरह से चम्मच की सहायता से इस तरह से मैश कर लेना है और अभी बाकी का दूध डालेंगे। अभी इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि चावल और दूध एक जैसे हो जाए। बीच बीच में हम इसे करछी से चलाते जाएंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, ये देखिए दूध भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी इसमें मैं इसी कप के नाप से 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें आप स्वादानुसार कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। ऊपर से 2 चम्मच और मैंने एक्स्ट्रा की डाली है, हमारे घर में थोड़ा मीठा खाते हैं। इसी तरह से
आपको जैसे कम ज़्यादा लगती है उसी तरह से चीनी इसमें डालिए और इसे और हमें 5 मिनट तक पकाना है धीमी आंच पे। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और पतला होगा, धीमी आंच पे हम इसे पकाते जाएंगे। ये 10 मिनट हो गए हैं हम धीमी आंच पे इसे पका रहे हैं। अभी ये दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है और चीनी चावल एक जैसा होने लगा है, तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। गैस को बंद करने के बाद में हमने इसमें 2 चुटकी नमक डाला है और स्वाद के लिए इलायची का पाउडर डाला है। इस नमक से ये खीर खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगेगी और कोई भी मीठी चीज़ में आप थोड़ा सा नमक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अभी ऊपर से हम इसमें बादाम के लच्छे और पिस्ते के लच्छे डाल के हम इसे सर्व करेंगे। खीर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपको जो चावल लेने हैं वो स्टार्च वाले लेने हैं। आप उसमें बासमती या इंद्रायणी या अंबे मोहर कोई भी चावल ले सकते हैं जो कि नया हो। इससे हमारी जो खीर है ये गाढ़ी बनती है और इसमें हमें जो दूध लेना है वो भी फुल फैट वाला लेना है ताकि हमारी खीर क्रीमी बने। आप ज़रूर इस तरह से ये खीर बनाइए और आपको ये चावल की खीर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।